अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशीषा के घर में आपके साथ सिद्रा मोइन एक यूनिक सी और स्पेशल रेसिपी लेकर आई हैं। ये है लेडी फिंगर फिश, और ये जो है आजकल लॉकडाउन हुआ हुआ है तो इसकी वजह से जो है वो किस खुशकिस्मती से हमें मिल गई, वरना ये बाहर एक्सपोर्ट होती है और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी होती है। और ये इसका कोई इतने इंग्रेडिएंट्स भी नहीं है, और मेरे बच्चे जो है ये बहुत शौक़ से खाते हैं, और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। और ये देखें, ये देख सकते हैं आप कि ये एक फिंगर जितनी ही बस होती है। और इसके आपको मैं मसाले बताती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या लगाऊंगी, ये नोट कीजिए। ये एक टेबल स्पून जो है वो मैंने नमक लिया है, दो टेबल स्पून मैंने चाट मसाला लिया है, एक टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्च है, ये नींबू लिया है, नींबू जो है वो हम अपने हिसाब से डालेंगे, और कसूरी एक ये है, एक चम्मच जो है ये कसूरी मेथी है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है दो चम्मच। अब ये मैं सारे मसालों को जो है ये फ़िश में लगाऊंगी। ये फ़िश जो है वो मैंने एक बॉल में सारी डाल दी है। इसमें जो है वो टू टेबल स्पून जो है वो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, और ये सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है, और इसको जो है वो आप ऐसे ही रूखी खाएं। ये नींबू, इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसको मैरिनेट करके रखना चाहें तो रख लें, नहीं तो वैसे ये उसी टाइम बनती है, उसी टाइम मसाला लगाया और उसी टाइम जो है वो हमने बना ली। ये थोड़ा सा जो ये इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो मैं घी या ऑयल जो भी हो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने अभी इस टाइम जो है वो घी डाला है इसके अंदर, अगर देसी घी हो तो वो भी डालें, वो उसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। और इसके अंदर जो है वो मैं मस्टर्ड पेस्ट भी डालूंगी थोड़ा सा। ये इसके अंदर जो है वो मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डालूंगी, ये एक चम्मच भर के मैंने कॉर्नफ्लोर का इसके अंदर डाला है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मस्टर्ड पेस्ट भी हमने डालना है, तो थोड़ा सा जो है वो मस्टर्ड पेस्ट का भी इसमें जाएगा। मस्टर्ड पेस्ट जो है वो हमने इतना सा लेना है, मस्टर्ड पेस्ट जो है वो हमने ये देखिए इतना सा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, वरना वो आपका जो है मीठा मीठा सा हो जाएगा टेस्ट इसका। तो अब इसको हमने दोनों चीज़ों को डाल दिया है। कॉर्नफ्लोर मैंने इसलिए ऐड किया है कि इससे जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी बनेंगी। इसको डाल के अब वो मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसको मिक्स करके उसके बाद जो है वो मैं इसको फ्राई करूँगी। ये एक टेबल स्पून जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल लिया है पैन में, और इसको इस तरीके से सारा जो है वो हम पैन में फैला देंगे अच्छे से। और इसके बाद जो है वो मैं अब इसके अंदर ये फ़िश रखूँगी। अब ये सारी फ़िश जो है वो मैं पैन में इस तरीके से रख दूँगी, और इसको हमने इस तरीके से डेकोरेट करके रखना है, तो इससे जो है वो बहुत मज़े की बनेगी आपकी फ़िश। थोड़ा सा जो है वो साथ साथ हमने जो है वो डेकोरेट भी करना है, ताकि फ़िश की जो है वो लुक और अच्छी आए, आपका दिल और मज़ेदार सी बने, आपका दिल और करे खाने को कि आप जो है वो मज़े मज़े की ये लेडी फ़िश खाएं। ये देखें, ये मैंने सारी जो है वो पैन में इस तरीके से रख दी हैं, और ये कितनी अच्छी इसकी लुक आई, कितनी ज़बरदस्त ये लग रही हैं। अब इसको जो है वो मैं चूल्हे पर पकने के लिए रख दूँगी लो फ्लेम पर। ये मैंने फ्राई पैन जो है वो चूल्हे पे रख दिया है, और इसको जो है वो हमने थोड़ा सा लो फ्लेम पे पकाना है पहले, ताकि हमारी अंदर से अच्छी तरीके से गल जाए। अब मैं इसे ये रख रही हूँ, और हमने जो है अब इसको ऊपर से कवर कर देना है। ये देखिए, एक साइड से जो है वो हमारी पक गई है फ़िश, और अब इसको जो है वो हमने ना इसको चम्मच नहीं चलाना इसमें बिल्कुल भी, इसको जो है वो अब मैं साइड चेंज करूँगी इसकी। अब ये इसकी हम साइड पलट रहे हैं, ये देखें इस तरीके से हमने जो है वो इसको ऑयल जो है वो सारा हम लोग जो है वो निकाल देंगे इसके अंदर से। अब ये देखिएगा, फ़िश जो है वो सारी ऐसी आ जाएगी हमारी। ये अब इसकी साइड चेंज कर रहे हैं, ये देखें इस तरीके से जो है वो हमने इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाया, और इस तरीके से ये सारी जो है हमारी फ़िश इसके अंदर ऐसे आ गई है। और
इसको जो है वो अब हम इस तरीके से रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से जो है वो मैंने साइड चेंज कर ली है इसकी, और ये 5 मिनट इसको मैं और पकाऊंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी से पक जाती है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। इसको हम 5 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद ये हमारी रेडी है।